तो ये देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। ए क्वेश्चन रिगार्डिंग टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? 2022 में आया था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बिगनिंग यूज बाय द ऑब्जर्वर इन ए प्लानट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखना, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यहाँ पर दिया हुआ है दोनों का, ऑब्जेक्टिव और आई पीस का फोकल लेंथ। तो इसके बारे में कौन सा बात जो है वो सत्य है, सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 20.2 होगा। तो ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस जो है, अगर देखोगे डी, तो एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल है। तो यहाँ से तुम एफ नॉट जो है मीटर में दिया है, तो 20 मीटर तो ये हो गया, तो एफ नॉट जो है वो 20 मीटर, और प्लस ये जो है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। 20 प्लस 0.02, मतलब यह आ जाएगा 20.02 मीटर जो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस होगी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, करेक्ट है। अगर अपना सेकंड ऑप्शन की बात करोगे, सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या -100 होगा? तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन किसी भी टेलीस्कोप का निकालता हूँ नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो उस सिनेरियो में जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है मॉड ऑफ ऑब्जेक्टिव, बड़ा होता है भाई, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई छोटू। तो बड़े में से छोटू को जब डिवाइड करोगे तो एफ नॉट अपॉन ए पी, मॉड लेता हूँ क्योंकि ये निगेटिव होता है, तो एफ नॉट कितना था, 20 मीटर था, और एफ ई कितना था, 2 सेंटीमीटर था। तो जब रेशियो है तो भाई यूनिट तो एक जैसे होगी, तो 0.02, तो 0.02 भाई मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2.1 ख़त्म हो जाएगा, 2 बच गया, 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो 1000 मॉड में आ जाएगा। और लेकिन मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है, माइनस एफ नॉट एफ ई होता है, तो यह आ जाएगा -1000। तो -1000 मतलब अपना बी भी सही है। इमेज ऑफ ए प्लेनेट, अरे भैया किसको देखोगे, प्लेनेट को ही देखोगे, पड़ोसी को तो देखोगे नहीं। तो इमेज ऑफ ए प्लेनेट इज इरेक्ट और डिसमिटेड। देखो इरेक्ट नहीं होता भाई, रियल इमेज होता है यार, तो रियल इमेज सीधा नहीं होता, इन्वर्टेड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब इस लॉजिक से या ये या तो ये बी, तो चार ऑप्शन में या तो ए सही है या तो ये सही है, ये कभी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो तो सी गलत है। अब डी का क्या हाल है, अपेर्चर ऑफ आई पीस स्मॉलर। देखो जो अपेर्चर ऑफ आई पीस होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप है, दूर की चीज़ों को देख रहे हो भाई, तो दूर की चीज़ों को देख रहे हो, तो अपेर्चर बड़ा होता है। ये वाली जो अपेर्चर जो, अरे भाई ये वाली जो अपेर्चर है वो बड़ी होगी, बड़ी होगी तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आएगा, तो इमेज की क्लियरिटी और अच्छा होगी। तो अपेर्चर जो होता है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव का अपेर्चर, और तो आई पीस का तो छोटू हो ही गया, तो ये भी अपना सही है, मतलब डी भी सही है। तो इस लॉजिक से मैं देखूं तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, मतलब ए सही है, बी सही है, डी सही है, कुल मिला के ए ऑप्शन इसका सही है, ये रॉन्ग है।